कुरैशी कहाँ है? मुझे क्या मालूम जरा? अरे सपेटों में कुरैशी कहाँ है? बूट पहन के ऊँट पे क्या कर रहा है? सलामुअलैकुम जनाब। वालेकुम सलाम तो ठीक है, लेकिन तू था कहाँ कुरैशी कप्तान? पानी की बाल्टी के जुगाड़ में क्या था जनाब? अच्छा की औलाद, पानी का जुगाड़ क्यों? दो बोतल पानी से पी सकते हैं या धो सकते हैं। रेत से पहुंच पहुंच के छिल गई है जनाब। अब हमीद को देख लीजिए, रात भर खुद की बदबू से सो नहीं पाता जनाब। जी जी जनाब। चुप जनावर की औलाद, कम से कम हिफाजत तो कर रहा है मुल्क की जाग के। हिफाजत जनाब, आदमी जब हिफाजत के लिए कुत्ते पालता है ना, तो उन्हें भी ढंग का खाना देता है। हमें कौन पाल रहा है? पल रहे हैं अल्लाह मालिक। तू यहाँ क्या कर? चलो उधर से। क्या कर रहे तुम्हें? हाँ मेरे जवानों, कहते हैं कि तैरना है तो समुंदर में तैरो, तालाबों में क्या रखा है? और जो इश्क करना है तो मुझसे करो, जनानियों में क्या रखा है? क्या वह नुक्ता भूल गया? बदन, बदन से करो। इश्क करना है तो बदन से करो, जनानियों में क्या रखा है? तुम सब को, आई मीन मैं भी, मतलब टोटली मैं सबको खुदा ने आज के दिन के लिए पैदा किया है। अब तक 1760 बार पैदा हो चुके हैं जनाब। ओए कुरैशी मियां, एक बार और पैदा हो जाएंगे तो क्या जाएगा हमारा? हमारा कुछ नहीं जाएगा जनाब, जो भी जाएगा हमारी माओ का जाएगा। हाँ तो दोस्तों, कल ऐलान जंग होने वाला है, कांग्रेचुलेशन। अब फिर से यार, फिर क्या कर रहा है तू? फिर से जंग हो जाएगी तो तेरे घर का क्या जाएगा है? तो जवानों ऐलान, अरे यार मतलब झंड कर दिया तुमने भाई। जनाब वो तो सिर्फ ये कह रहा था कि अगर इसी तरह जंग चलती रही तो हमारा मुल्क जो है वो तो नक्शे से ही गायब हो जाएगा। वो डिस्कवरी और नेशनल ज्योग्राफी पर प्रोग्राम आएंगे, Once upon a time there was a Pakistan. हाँ रुक, बोल साक्षी, कैस मैं कहाँ हूँ? कहाँ, मुझे क्या पता? God, it's my dream come true. अरे मैं border पर हूँ, जाने मन। Border पर? Oh my God, really? वो भी ढूंढ लूंगी। कुछ ढूंढ रही है आप? साक्षी, आप कॉल यू बैक। हाय कैप्टन राजवीर सिंह राणा। रुत तत्ता, बट यू कैन कॉल मी रुत। हम तो मैडम ही कह लेंगे। वैसे आपके अलावा किसी और को मंत्री जी के दौरे की खबर भी नहीं हुई। वैसे हमारे रक्षक मंत्री मीडिया मैनेजमेंट में पीएचडी है, वही लाया मैं। सॉरी टू डिसअपॉइंट यू। इट्स अ प्लेजर टू बी डिसअपॉइंटेड बाय यू। एंड एज द कमांडिंग ऑफिसर, आपकी सुरक्षा मेरा पहला कर्तव्य है। इस खतरनाक माहौल में आपको किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो प्लीज। मुझे तो नहीं, मंत्री जी को आपकी जरूरत है। ओ यार राइट, आई सी यू। दीज आर द टू फॉरवर्ड पोस्ट। वेरी गुड। ये हमारे वॉच टावर्स हैं सर। रंजीत इधर आओ। सर। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत अच्छा। ओह हेलो कैप्टन राज। जय हिंद सर। जय हिंद, जय हिंद। सॉरी सर, आई वाज पेट्रोलिंग सो। कोई बात नहीं। सर वैसे यहाँ इस रेगिस्तान में अचानक आने की कोई खास वजह? कप्तान साहब मैं क्या बताऊं, मुझे देशभक्ति का इतना जज्बा मिलता है यहाँ आकर, लेकिन क्या करूं, दिल्ली के कामों से फुर्सत ही नहीं मिल पाती। तो मैंने सोचा मैं खुद ही आकर देख लूं कि सरहद की सुरक्षा के लिए आप लोगों ने क्या क्या प्रावधान किए हैं। श्योर सर, आइए सर इस तरफ प्लीज, आइए। धन्यवाद। आइए सर। अरे अरे वहां से अच्छा नहीं आएगा, जरा सामने आइए, सामने। हाँ हाँ आइए आइए। अब ये हुई ना बात, ताकि हमारे देश के बहादुर जवानों की तस्वीर सामने से आए। आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है सर। डरने की
मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर दुश्मन की फौज ने गलत कदम उठाया है तो हम भी उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। कैसा कदम सर, अभी उठाया था? मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम किसी से डरते नहीं हैं। मैं इस बॉर्डर पर यही दिखाने आया हूँ कि चाहे इस बॉर्डर पर गोलियां चले या यूसुफ सर तो ऐसे डरा रहा है जैसे जंग कल ही शुरू होने वाली है और हम डर जाएंगे। सर ये जो बंकर है बहुत आगे तक जाता है। अच्छा अच्छा, अरे अरे ये कौन है? क्या खबर बंधु? सर वो घुसपैठिए लोकेशन सामंत में घुसने की कोशिश कर रहे थे, मैंने रॉकेट खिला दिए, अभी पुट्ठे आसमान की तरफ करके पड़े होंगे। घुसपैठ पुट्ठा? अरे ये क्या बोल रहा है? सर ये अपना जासूस है, लोकेशन सावंत में घुसपैठ रोकने में एक्सपर्ट है। हाँ लोकेशन साहब, अरे वो तो मुझे मालूम ही था, मैं तो कप्तान साहब ये क्या था? सर ये तो बॉर्डर है, यहाँ कभी भी फायरिंग शुरू हो जाती है। अच्छा काफी जानकारी ले चुके हैं हम, अरे चलो भी चलो, और वो रिपोर्ट भी तो फाइल करना हमें। देखिए एक काम कीजिए, ये कसेट आप हमें दे दीजिए, हम चैनल तक पहुंचवा देंगे। अरे आप तो जानती हैं कि पहुंचवाना कितना महत्वपूर्ण है, क्या रहा कसेट लो। अरे सर मंत्री जी सुनिए तो। दत्ता जी आप नहीं गई, बड़ी डरबाज है आप तो। फर्स्ट टाइम बॉर्डर पर आई हूँ, सब कुछ कवर करके ही जाऊंगी। हमारी फौज में जी बैचलर बड़े सारे हैं, अभी तो आपको कवर की जरूरत पड़ेगी। चलो घुसपैठियों के पुट्ठों को राजस्थानी धूल चटाते। क्या बक रहा है, क्या बक रहा है? मैं भी ये कहता था कि बक रहा है, पर ये अब्दुल खबीस का बच्चा कहता बकरी है। हमें अभी की गोली खानी है क्या? फौज आ रही है दुश्मन की। अच्छा दुश्मन, हाँ अब ऐसा चला। अरे ओ ज्यादा उठ, दुश्मन का फौज आता गोली पड़ेगा उधर से। काबुल एक्सप्रेस से रफ्तार पकड़ लिए, वहां तक दौड़ाओ जहां तक इनके रिश्तेदार दिखे। सिंह साहब ये मिनिस्टर की अचानक से विजिट कैसी? कुछ तो गड़बड़ लगती है। गड़बड़ किस बात की, बिना मतलब भी आ सकता है। जय हिंद सर। सो जय हिंद। तुम्हें क्या लगता है खत्री, रिलैक्स, मिनिस्टर साहब ऐसे ही घूमने आए थे? सर बिना मतलब तो अपनी माँ के पेट से ना निकले, कोई राज तो है। करेक्ट ऑफिसर। अरे आइए आइए भाई साहब, अपना हुलिया ठीक कर लो, मैडम को मिनिस्टर साहब से फुर्सत मिल गई है, लगता है अब हमें शूट करना चाहती है। आओ भाई मैडम हमें शूट करना चाहती है। अरे आओ सबके सब, सबके सब अपना हुलिया ठीक कर लो, फटाफट लग जाओ लाइन में। तो फाइनली मैडम हम बाकी नौजवानों को भी शूट कर लीजिए। मैडम हमें भी शूट कर लीजिए। मैडम हमें भी शूट कर लीजिए। मैडम हमें भी। मैडम हमें भी। ठीक है लेकिन शूट तो मैं इससे भी कर सकती हूँ। तेरी लेडी दबंग। घबराइए मत, निशाना चुकेगा नहीं। वाह आप तो मजाक भी करती हैं। For your information, I'm a national games shooting champion. आहा, impressed. भाई सुना? हाँ सर। थैंक यू। अच्छा बताइए कैप्टन राज, आपको कैसे पता चलता है कि वो होने वाला है, मतलब कि इन्फॉर्मेशन कब मिलती है? ओ जी इन्फॉर्मेशन की क्या जरूरत है, अगर वो ईंट फेंकते हैं तो दो पत्थर हम भी दे मारते। तो मतलब बॉर्डर पे काफी तनातनी टेंशन का माहौल होता होगा ना? हाँ टेंशन तो होती है पर माहौल तो बनाने से बनता है। व्हाट डू यू मीन? आई मीन टू से आप तनातनी देखना चाहेंगी? जी एक लेफ्टिनेंट खत्री। यस सर। मैडम टेंशन देखना चाहती है। नहीं इंतजाम करो। ओके सर। आप क्या कह रहे हैं? नहीं नहीं कोई बात नहीं, आप यहाँ तक आइए तो टेंशन देख के जाएंगे। कैप्टन राज मैं तो ऐसे ही बस दो मिनट लगेंगे, टेंशन देखिए। नो देखिए कोई बात नहीं। अरे खत्री जल्दी करो।